तहबजारी शुल्क रोकने को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने लॉकडाउन में रोड पटरी किनारे ठेला व फल लगाने वालों से तहबजारी वसूल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि समय रहते यदि निगम द्वारा की जा रही वसूली पर अंकुश नहीं लगा तो गरीब कारोबारियों के परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। आज दिन में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात साहनी के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल नगर निगम पहुंचा, जहां उन्होंने नगर आयुक्त प्रकाश चंद आर्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि जारी लॉकडाउन के दौरान रोड पटरी किनारे ठेलों व फड़ों से ठेकेदार द्वारा तहबजारी वसूल की जा रही है, जो इस समय न्याय संगत नहीं है। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ठेलों से इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए समय रहते इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। नगर आयुक्त महोदय से मिले हैं, तहबजारी की बात कही है, क्या है मामला? मामला यह है कि COVID-19 की वजह से जो व्यापारी है छोटे छोटे हमारे, उनकी दुकानें बहुत टाइम से बंद रही, और ये संज्ञान में आया था कि नगर निगम इन छोटे व्यापारियों से तहबजारी वसूल कर रहा है। हमारा ये कहना था नगर आयुक्त जी को कि इतने टाइम से जो व्यापारी इस COVID-19 की वजह से परेशान रहे हैं और उनके व्यापार में जो दिक्कत आई है, हम ये चाहते हैं कि कुछ समय के लिए, जब तक COVID-19 की आपदा चल रही है, उस समय तक के लिए एक तहबजारी का शुल्क उन व्यापारियों को माफ़ किया जाए। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि मैं मेयर साहिबा से बात करके आपको कुछ अच्छा निर्णय ही बता दूँ।